हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुगुमम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जय माता जी, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो अभी बज रहे सुबह के 3:15 हो रहे हैं, मैं निकल गई हूँ। तो पहले लोकल पकड़ूंगी और आप लोग को अपने गुरु जी के भी दर्शन कराऊंगी। तो बस मैं आगे कोई वॉइस ओवर नहीं करूंगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। कहाँ जा रहे बता दो, घूमी घूमी जा रहे हो बता दो, घूमी घूमी जा रहे हम लोग। और अभी मैं आ गई हूँ आश्रम में, जो हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर आई हूँ मैं। तो मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम, अभी कितने बज रहे, 7 बज रहे, 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, तो मैं भी आगे आप लोग को दिखाती हूँ। सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, खुशी के पापा भी आगे जा रहे हैं और भैया हैं और एक दो जन हैं, सब आगे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी हूँ। यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। तो बस अभी चलते हैं आश्रम में। और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो आप लोग को भी लेके चलते हूँ, देखते हैं वहाँ का क्या है। चल, और साथ में जरूरी है। और अगर यहाँ की व्यू की बात करें तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया यहाँ का व्यू। अभी बहुत दूर चल के जाना है यहाँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं आश्रम में। तो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, देखें उन्हीं के आश्रम में आए हैं और देखते हैं। ऐसे तो उनका मैंने बहुत देखा है फोटो में, नाम भी सुना है, तो आज मैं फेस टू फेस देखूंगी। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ ये आश्रम में। यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी की ये टाकी है। और ये देखिए यहाँ पर आश्रम में ये, यहाँ पर देखो यहाँ कितने से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर भी। गैया भार अभार है, मापा नहीं जा सकता, आखिर कितना है ये भाव भारी, पूरे भारी संसार का भाव का भार ही गैया का भार है। ऐसी गाय सुना कभी, वो खाती पीती क्या है, नव नारी का पानी पियत है। निसंदेह गाय उपयोगी पशु है, मूल्यवान धन है, धन की सुरक्षा कौन नहीं चाहेगा। आप रक्षा करें किंतु गाय धर्म है,
गाय ही सनातन धर्म है, ऐसा कहकर समाज को गुमराह न करें। विचार विमर्श हेतु ऐसा धोखा नहीं है। शास्त्रों में गो का अर्थ मन समेत इंद्रियां है। इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, ये सदैव संयमित रखना गो रक्षा है, यही हमारा दायित्व तो है, धर्म है। जाओ तुम्हें मैं मिलूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे प्राप्त होगी। और भला जीव को चाहिए क्या, वो मुस्कुराती नहीं उठ के खड़ी हो जाए, अपने काम धंधा में लग जाए। एक बूढ़ी दादी अम्मा गोपी रही उस निरीक्षण किया करे। बुढ़िया लोगों की आदत होती है कि लड़के किधर जा रही क्या कर रही है, तो बोले उसने सोचा पहले तो 84 गांव के लड़कों को इसने बिगाड़ा कर रही ने माखन चुराना मटकी फोड़ना सिखाया, अब जब देखो तुम छोरियां बेहोशे बनी रहती है, ये काम में पता नहीं क्या कह देता, ठीक भी हो जाती है, जरा पता तो लगाऊं ये काम में कहता क्या है। तो बुढ़िया दादी अम्मा गोपी झाड़ू लगाते लगाते गिर पड़ी, झाड़ू गया इधर अपने गिरी, क्या पूरी गांव भरे की पतोइया रही ना, दौड़ पड़ी, बोले कन्हैया जल्दी चलो, ओ दादी अम्मा गोपी मूर्छित हो गए, तो कृष्ण समझ गए कि वो डोंकी है, पता लगा मैं कान में कहता क्या। तो बोले देखो किसी और से जड़वा लो, बोले नहीं कन्हैया तो नहीं चल, बोले नहीं भैया इस सफेद बाल वाले और सफेद टोपी वालों के पास लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, लगभग न करी, लेकिन ढकेल के ले आए। कृष्ण देखा ये ढोंग करके पड़ी है, हमारे परीक्षा लेवा चाहते, तो बोले एक डंडा लाओ। तो बुढ़िया सकपकाई कहीं ठोकाई न हो, इतने में सर 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 तीन चार डंडा लगा, तो बुढ़िया उठ के डंडा पकड़ लिया, नहीं मार मैंने मूर्छित हुई हूँ। कृष्ण का इसको भूत लगा है और ने हमें भूत लगा है, मैं तो ये देखना चाहती थी तू कान में आखिर कहता क्या है। तो जिंदगी खत्म हो गई, बाल पक गए, आंखें पक गई और मन सफेद नहीं हुआ, तो भगवान के दरबार में उनका कोई स्थान नहीं है, फिर भी दो एक जन्म तक लात खाएंगे। वो बेचारा लात खा गई, बोले नहीं मार मुझे भूत नहीं लगा जो झाड़े में लगा तू, और नहीं मैं बीमार हूं, मैं तो ये जांचना चाहती थी काने में कहता क्या है। तो भैया बाल सफेद हो गए, पांव लुंज हो गए, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया और मन नहीं शुद्ध हुआ, तो भगवान के घर में कोई स्थान नहीं। तो निर्मल मन जन सोम ही पाव मोहि, कपट चल छिद्र न भाव। और क्या देख
हाथ उठाओ कहीं की रह गए। अरे कहने के लिए बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। अच्छा दर्शन, अब चलते हैं घर पे। सुबह का व्यू देखिए, और अभी इस वक्त धूप निकल आई है। पानी है बेटा उसमें, पानी है। पर अभी मुझे लेट हो रहा है, तभी मैं जा रही घर। नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी लेकर आएंगे। ये महाराज जी का एंट्री गेट।